हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आलोकन अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र प्रसाद। आज हम इतिहास के प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं और टॉपिक है वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, इसके अंतर्गत हम जो मुख्य मुख्य प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और उनसे संबंधित जो भी जानकारी है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सर, क्वेश्चन नंबर एक है, ऋग्वेदिक संस्कृति का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? ऋग्वेदिक संस्कृति और इसका मुख्य क्षेत्र पूछ रहा है, तो यहाँ पर ऋग्वेदिक संस्कृति का या जो पूर्व वैदिककालीन संस्कृति है उसका मुख्य क्षेत्र है सप्त सिंधु प्रदेश। हमने जब क्लास के अंदर चर्चा की थी तो इसको विस्तार से देखा था कि जो आर्यों का मध्य एशिया से भारत की तरफ जो भौगोलिक विस्तार हो रहा है वो मध्य एशिया, फिर वहाँ से ईरान वाला भूभाग है, वहाँ से होते हुए वो अफगानिस्तान आते हैं, अफगानिस्तान से भारत के सप्त सिंधु प्रदेश में आकर के रुकते हैं और वहीं पर ऋग्वेद की रचना होती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा सप्त सिंधु प्रदेश। जैसे यहाँ से मध्य एशिया से ये लोग आते हैं, सबसे पहले अफगानिस्तान, उसके बाद में सप्त सिंधु प्रदेश, उसके बाद ब्रह्मव्रत प्रदेश, उसके बाद ब्रह्म ऋषि प्रदेश और बाद में मध्य देश, और इस सारे भूभाग को बोला गया था आर्यव्रत। ठीक है, तो जो इनका पूर्व वैदिक काल में विस्तार हो रहा है, पूर्व वैदिक काल में या ऋग्वेदिक काल में, वो है सप्त सिंधु प्रदेश में और यहीं पर क्या है, ऋग्वेद की रचना हो रही है। ठीक है, तो जो प्रथम क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक संस्कृति का मुख्य क्षेत्र था तो वो है सप्त सिंधु प्रदेश। अब हम जो दूसरा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि यहाँ पर दो सूचियाँ दी गई हैं, सूची एक और सूची दो, सूची एक और दूसरी सूची है उसको मिलाना है। इसमें कहा क्या गया है कि सूची एक को सूची दो के साथ सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए, यानी कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। तो हमारे सामने यहाँ पर एक तरफ संहिता यानी वेद लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ उपनिषद यानी जो वेदों के उपनिषद हैं उनके बीच में मिलान करना है, यानी किस वेद का कौन सा उपनिषद है इस बारे में हमें चयन करना है। तो यहाँ पर जैसे ए बी सी और डी और ये एक दो तीन और चार, तो इस तरीके से देखें तो ऋग्वेद है उसका उपनिषद है कौशितकी। ठीक है, अगर यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद का उपनिषद है कठ उपनिषद। सामवेद की बात करें तो सामवेद का उपनिषद है छांदोग्य, और अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद का है मुंडक उपनिषद। तो इस तरीके से हम जो नीचे कूट दिए गए हैं उनसे इनका मिलान करते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं इनके मिलान के तौर पर, जैसे हमने ऊपर देखा कि ऋग्वेद का जो उपनिषद है वो है कौशितकी, अथर्ववेद का है मुंडक, यजुर्वेद का है कठ और सामवेद का है छांदोग्य। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने ए बी सी और डी और यहाँ पर माना एक दो तीन और चार, तो जैसे मान लीजिए ए है, ए के सामने होना चाहिए चार, तो ए के सामने चार, बी बी के सामने होना चाहिए तीन, तो बी के सामने ये तीन हो गया, सी के सामने होना चाहिए एक, तो सी के सामने ये एक हो गया, और डी के सामने होना चाहिए दो मुंडक, तो यहाँ पर ये हमारा दो हो गया। तो इस रूप में हमारा जो कूट है वो है बी, यानी बी हमारा सही आंसर है।
ठीक है, हमने एक तरफ वेद देखे और दूसरी तरफ उपनिषद देखे। जो वेद का जो उपनिषद है उसको हमें मिलाना था और यहाँ पर हमने प्रॉपर वे में इसका मिलान कर दिया है। आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, 10 राजाओं के युद्ध में भरतों के पुरोहित कौन था, यानी एक ऋग्वेदिक काल में जो सप्त सेंधों वाला भाग है वहाँ पर युद्ध होता है और उसको नाम दिया गया था 10 राग युद्ध, यानी 10 राजाओं के मध्य होता है। तो इस युद्ध में होता यह है कि एक तरफ तो राजा सुदास होता है और दूसरी तरफ अन्य आर्य और अनार्य जो जातियां हैं उनके 10 राजा होते हैं, ठीक है। तो इनके पुरोहितों के बारे में पूछ रहा है, तो जो राजा सुदास है उसका पुरोहित है वशिष्ठ, और ये जो अनार्य और आर्य जातियां हैं इनका जो पुरोहित है वो है विश्वामित्र, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अगर इस युद्ध के पीछे जो कारण थे उनके बारे में देखें तो कारण ये है, दो कारण यहाँ पर बताए जाते हैं। एक तो क्या है कि जो विश्वामित्र है ये पहले सुदास का पुरोहित था, फिर इसको यहाँ से निकाल दिया जाता है, एक तो कारण ये बनता है। और जो दूसरा कारण ये है साम्राज्य विस्तार, यानी जो ऋग्वेद काल में साम्राज्य विस्तार हो रहा था उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो 10 राग युद्ध है उसका ये कारण बनता है, ठीक है। तो ये दो कारण थे मुख्यतः, और यहां पर हमारा उत्तर हो जाएगा वशिष्ठ, ठीक है। तो भरत वंश के जो लोग थे या जो राजा सुदास है वो भरत वंश का है, तो यहां पर इनका पुरोहित है वशिष्ठ। आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन है, सतपथ ब्राह्मण संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन है सतपथ ब्राह्मण संबंधित है और यहां पर नीचे दे रखा है वेद, यानी वेदों से किस वेद से संबंधित है। तो जो सतपथ ब्राह्मण है वो साम वेद से संबंधित है, यानी जो साम वेद है सॉरी यजुर्वेद से संबंधित है। यहां पर जो सतपथ ब्राह्मण है वो है यजुर्वेद से संबंधित, सतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ये ब्राह्मण ग्रंथ है। अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं। और क्वेश्चन है, उपनिषद काल का या उपनिषद युद्ध का राजा अश्वपति कहाँ का शासक था। तो जो अश्वपति है वो है कैकेयी का, इनके नाम से ही जुड़ा हुआ है, कैकेयी का राजा अश्वपति। तो ये अश्वपति कैकेयी के राजा थे। मगध उपनिषद काल में ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हुआ था, ये बाद में जब बिंबिसार वगैरह यहाँ पर शासक बनते हैं या फिर कहें तो जो हर्यक वंश है उसके आने के बाद मगध साम्राज्य का विस्तार ज़्यादा होता है, या फिर भारत के मानचित्र में मगध साम्राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में प्रसिद्धि पाता है, तो वो हर्यक वंश के बाद में पाता है, ठीक है। और पांचाल और सूर्यसेन ये भी जो महाजनपद काल है उसमें 16 महाजनपदों में इनकी गिनती होती थी, लेकिन अभी जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है अश्वपति के बारे में और अश्वपति है कैकेयी का राजा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से
प्रमुखतः किस एक में यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण है? तो यज्ञ वेदियों की अगर बात करें, यज्ञ वेदिकाएं, छठी शताब्दी के बाद में जो वैदिकोत्तर साहित्य लिखा गया था, उसमें एक साहित्य है वेदांग, और वेदांग के अंदर वेदांग का एक भाग है कल्प। ये कल्प है, इसका मतलब है कर्मकांड, कर्मकांडीय नियम, और इन कर्मकांडीय नियमों के अंतर्गत जो कल्प है इसको तीन भागों में बांटा गया है, श्रोत सूत्र, गह सूत्र और धर्म सूत्र। अब जो श्रोत सूत्र है नंबर एक वाला, उसके अंतर्गत सुलभ सूत्र दिया गया है, सुलभ सूत्र, और ये सुलभ सूत्र है उसी के अंतर्गत होता क्या है कि यज्ञ की वेदिकाओं के निर्माण, यज्ञ की वेदिकाओं के निर्माण और रेखा गणित की जानकारी दी गई है। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा जो हमारा क्वेश्चन है वो देखो एक बारी, निम्नलिखित ग्रंथों में यानी जो नीचे ग्रंथ दिए गए हैं किस एक में यज्ञ वेदिकाओं के निर्माण का विवरण मिलता है, यानी जो वैदिक काल में या वैदिक काल के बाद में जो यज्ञ बनता, यज्ञ का जो आयोजन होता था उसमें जो वेदिका बनती थी उसमें मतलब कितना अनुपात होना चाहिए, इसका ज्ञान हमें कहाँ पे मिल रहा है? तो ये ज्ञान हमें मिल रहा है सुलभ सूत्र में, और ये सुलभ सूत्र है वो कहाँ से लिया गया है या किसका भाग है? ये है कल्प का भाग है, और कल्प में है स्रोत सूत्र, स्रोत सूत्र है उसी में से सुलभ सूत्र लिया गया है, और इसमें हमें किसके बारे में जानकारी मिल रही है? यज्ञ वेदिकाओं के बारे में। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर सुलभ सूत्र। आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 7, सात नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन विदुषियों ने वैदिक मंत्रों की रचना की, यानी ऐसी कौन सी विदुषियां थी जिन्होंने वैदिक काल में अध्ययन किया और फिर जो वैदिक मंत्र है उनके उनकी रचना में योगदान किया, ऐसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन है गार्गी, विश्वारा एवं घोसा, मैत्रेयी, जबाला। तो हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, विश्वारा, घोसा, और भी बहुत थी जैसे अपाला। तो जो वैदिक मंत्रों की रचना कर रही है, और यहां पर बात हो रही है पूर्व वैदिक काल की, अर्थात पूर्व वैदिक काल में जो ऋग्वेद के मंत्र हैं उनके रचना में किन विदुषियों का योगदान है, इस बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहां पर है विश्वारा, घोसा, अपाला, इस रूप में हमारा राइट आंसर है बी। ठीक है, आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है द्विज किसे कहा गया है, द्विज। तो यहां द्विज से मतलब है जो जनेऊ वगैरह धारण करते थे और जो वैदिक मंत्र हैं उनको सुन सकते थे या उनका पाठ कर सकते थे, उनको यहां पर द्विज कहा गया है। तो नंबर एक ऑप्शन में है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, और इन्हीं को क्या कहा गया है, द्विज। बाकी जो तीसरा वर्ण है चौथा वर्ण है शूद्र, इसको ऐसा करने का अधिकार नहीं था, या फिर ये वैदिक जो मंत्र है ना तो उनको सुन सकता था ना इनका वो अपने स्तर पर पाठ वगैरह कर सकता था,
तो इस रूप में जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि द्विज किसे कहते थे या द्विज किसे कहा गया है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों को यहाँ पर द्विज की संज्ञा दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा एपिग्राफी। एपिग्राफी क्या है या एपिग्राफी किसे कहते हैं? तो ऑप्शन है अभिलेखों का अध्ययन, सिक्कों का अध्ययन, प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन, पांडुलिपियों का अध्ययन। तो जो अभिलेखों का अध्ययन होता था या अभिलेखों के अध्ययन को यहाँ पर एपिग्राफी कहा गया है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अभिलेखों का अध्ययन। अगर सिक्कों के अध्ययन की बात करें तो ये न्यूमिस्मेटिक कहलाता था। प्राचीन वस्तुओं का जो अध्ययन है या प्राचीन जो चीज़ें हमारे अध्ययन के स्रोत बनती हैं तो उनको पुरातत्व या आर्कियोलॉजिकल आइटम्स के रूप में या आर्कियोलॉजिकल जो वस्तुएं हैं उनके अंतर्गत देखा जाता है। तो यहाँ पर एपिग्राफी क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिलेखों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है हमारा नंबर 10। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर नंबर एक कथन है, ऋग्वेद में राजा द्वारा दी जाने वाली न्याय का या फिर न्यायिक प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन मिलता है। यानी जो पहला ऑप्शन है यहाँ पर वो है कि ऋग्वेद काल में जो न्यायिक व्यवस्था थी उसका विस्तृत वर्णन मिलता है या फिर राजा जो न्याय करता था उसकी विस्तृत जानकारी मिलती है। और दूसरा है अथर्ववेद में वस्त्रों तथा बकरी की खाल का व्यापारिक वस्तुओं के रूप में उल्लेख मिलता है। ये दो कथन हमारे सामने हैं, एक तो न्याय प्रणाली जो ऋग्वेद काल की है उसके बारे में पूछ रहा है, और एक उत्तर वेदी काल में जो वस्त्र हैं और एक जो बकरी की खाल है उनको व्यापारिक वस्तुओं के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। इन दोनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर अगर देखें नंबर एक कूट में कि ऋग्वेद काल में राजा द्वारा दी जाने वाली न्यायिक प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन मिलता है, तो ऐसा हमें नहीं मिलता है, न्याय प्रणाली की विस्तृत जानकारी नहीं मिलती है। कहीं कहीं ये जानकारी अवश्य मिलती है कि राजा या फिर जब वो उस समय जो राजन होता था वो किसी को दंड देता था तो उसके बदले में 100 गायों की मांग करता था। ठीक है, या फिर संबंध विच्छेद जैसी व्यवस्था हमें देखने को मिलती है, लेकिन जो न्याय प्रणाली है उसकी विस्तृत व्याख्या कहीं पर देखने को नहीं मिलती है। तो इस रूप में ये जो हमारा नंबर एक कूट है ये गलत हो जाएगा। नंबर दो कूट है, अथर्ववेद में वस्त्रों तथा बकरी की खाल का व्यापारिक वस्तुओं के रूप में उल्लेख मिलता है, तो ऐसा या ऐसी जानकारी हमें जरूर मिलती है, तो इस रूप में ये कूट हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो हमारा नंबर दो का जो कथन है वो सही है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, यानी दो जो कूट है वो सही है, इस रूप में बी हमारा यहाँ पर सही आंसर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, और इसमें पूछ रहा है अद्वैत दर्शन का प्रतिपादक निम्न में से किस में मिलता है। यानी अद्वैत जो दर्शन है उसका सबसे पहले प्रतिपादन कहाँ पर मिलता है या कहाँ पर किया गया है, इस बारे में पूछा जा रहा है। तो हमारे पास में ऑप्शन है वेदों में, उपनिषदों में, मनुस्मृति में, स्मृतियों में। तो जो अद्वैत है, अद्वैत का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो आत्मा और जो ब्रह्म है उनमें कोई भेद नहीं है, यानी दोनों एक ही हैं। जैसे आगे शंकराचार्य कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। जो
मानव की या फिर जो जीवों में आत्मा है और जो ब्रह्म है यानी जो परम शक्ति है उसके बीच में यहाँ पर भेद नहीं बताया गया है, दोनों को एक ही माना गया है। तो ऐसी जानकारी या ऐसा दर्शन हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो वो है उपनिषदों में। उपनिषदों के अंतर्गत इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो दार्शनिक संवाद यहाँ पर मिलता है ब्रह्म और आत्मा के बीच में जो अभेद है उसके ऊपर, या एकेश्वरवाद जैसी विचारधारा यहाँ पर देखने को मिलती है। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपनिषद बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण होता था, बात हो रही है पूर्व वैदिक काल या ऋग्वेद काल की, और इस समय जो राजतंत्र है वो एक तरीके से मतलब वंशानुगत तो हो गया है लेकिन पूरी तरीके से वो उसके जो अधिकार हैं वो अभी सीमित हैं, यानी असीमित अधिकार अभी इसके पास में नहीं है। कुछ ऐसी कबायली संस्थाएं यहाँ पर हैं जो इसके ऊपर कहीं ना कहीं दबाव बनाती हैं या फिर जो निर्णय ये लेता है उसमें सहयोग करती हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि पूर्व वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण होता था, तो यहाँ पर राजा पर नियंत्रण जो कर रही हैं संस्थाएं वो हैं सभा और समिति। सभा और समिति दो संस्थाएं हैं जो राजा पर नियंत्रण करती हैं। अब यहाँ अगर सभा की बात करें तो ये सभा बुजुर्गों और जो कुलीन वर्ग है या कुलीन जो लोग हैं उनकी संस्था होती थी। सभा है वो बुजुर्गों और कुलीन वर्ग के लोगों की सभा होती थी, और समिति की बात करें तो ये जो जनसाधारण है उनसे मिलकर के बनती थी, यानी समाज के एक बड़े वर्ग से मिलकर के ये सभा बनती थी जिसको समिति बोला गया है। यानी अलग अलग दो संस्थाएं हैं, एक सभा है और एक समिति है। सभा यहाँ पर बुजुर्गों व कुलीन वर्ग से मिलकर बन रही है और समिति है वो जनसाधारण के जो शिक्षित लोग हैं या फिर निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं उनसे मिलकर के बनी है। तो यहाँ पर जैसे समिति है वो अभी की लोकसभा जैसी हो गई और यहाँ पर जो सभा है वो राज्यसभा जैसी हो गई। और उस समय दो संस्थाएं और थी, एक है विदत और दूसरी है गण। अगर विदत की बात करें तो ये क्या है कि जो संसाधन है उनका बंटवारा करती थी, यानी उस समय जो उपज हो रही है या कहीं से लूट का माल आ रहा है तो उसका बंटवारा यहाँ पर विदत में होता था। और जो गण है तो ये गण क्या है, ये भी कुलीन या संभ्रांत जो लोग थे उनकी संस्था होती थी। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि पूर्व वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण होता था, तो वो है सभा और समिति का, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ए आंसर है वो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सी बातें उत्तर वैदिक काल का लक्षण है। उत्तर वैदिक काल का लक्षण पूछ रहा है यहां पर, तो उत्तर वैदिक काल में क्या होता है। नंबर एक यहां पर है जैसे जंगलों का व्यापक रूप में जलाया जाना, ये सही है। लो उपकरणों का निर्माण, ये भी सही है। ऋतुओं का ज्ञान, इस समय ऋतुओं का ज्ञान होने लग जाता है, यानी फसल चक्र यहाँ पर ऋतुओं के हिसाब से बोया जा रहा है, तो यहाँ पर ये चीज़ें सही हैं। बड़े पैमाने पर सिंचाई, ये गलत है क्योंकि अभी तक ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है कि किसी नहर द्वारा या फिर कुएं वगैरह बनाकर के सिंचाई के साधन के रूप में उनका प्रयोग किया जा रहा है, ऐसा अभी देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी जो फसल है वो क्या है, प्राकृतिक जो बारिश वगैरह है उसी के माध्यम से बोई जाती है, काटी जाती है। तो ये वाला जो ऑप्शन है अंतिम वाला बड़े पैमाने पर सिंचाई, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। बाकी जो तीन ऑप्शन है, जंगलों को व्यापक रूप में जलाया जाना, तो इसकी जानकारी हमें मिलती है। जैसे मान लीजिए कि एक विदय माधव की जो कथा है उसमें भी हमें ये जानकारी मिलती है। लो उपकरणों का निर्माण, तो
तो होता ये है कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास से ही हमें एक जगह है अतरंजी खेड़ा, वहाँ से हमें लोह उपकरण मिलने शुरू हो जाते हैं या लोहे के अवशेष मिलने लग जाते हैं। फिर जो आलमगीरपुर है वहाँ से हमें लोहे की जानकारी मिलती है या लोहे के उपकरण मिलते हैं। और एक जगह और है हस्तिनापुर, हस्तिनापुर से भी हमें लोहे के अवशेष मिलते हैं। तो ये 3-4 ऐसे स्थल हैं जहाँ से लोहे की जानकारी मिल रही है। तो ये उत्तर वैदिक काल की एक अच्छी विशेषता है और ऋतुओं का ज्ञान भी यहाँ पर हो जाता है। तो हमारा यहाँ पर नंबर 13 जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा बड़े पैमाने पर सिंचाई साधनों का नहीं होना। ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा इस रूप में, 1, 2 और 3। तो यहाँ पर ए में दे रखा है 1, 2, 3, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से या निम्न कौन सा शब्द ऋग्वेद में युद्ध के लिए मिलता है, यानी युद्ध के पर्याय के रूप में यहाँ पर पूछा गया है कि ऋग्वेद में जो युद्ध होता है उसको क्या कहा गया है। तो यहाँ पर नंबर 1 में दिया गया है गविष्टि। अगर ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में होता क्या है कि ज़्यादातर जो युद्ध हैं वो किसके लिए हो रहे हैं, गायों के लिए। ठीक है, यहाँ पर युद्ध हो रहे हैं गायों के लिए। और गायों को होता क्या है कि एक पणि नामक यहाँ पर शब्द मिलता है, और ये पणि कौन है, पणि यहाँ पर ऋग्वेद में जो गायों की चोरी करते हैं उनको कहा गया है। तो यहाँ पर आर्य क्या करते हैं, जो पणियों के विरुद्ध गायों की चोरी के लिए या गायों को बचाने के लिए जो युद्ध करते हैं उसको यहाँ पर गविष्टि कहा गया है। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा गविष्टि। क्वेश्चन हमारा था निम्न में से कौन सा शब्द ऋग्वेद में युद्ध के लिए मिलता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा गविष्टि, क्योंकि जो गायों के लिए या गायों के लिए यहाँ पर बार बार युद्ध हो रहे हैं और उसको बोला गया है गविष्टि। ठीक है, तो ये सही उत्तर होगा हमारा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस में समाज के चतुर्वर्ण व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, यानी जो 4 वर्ण हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये हमारे समाज के 4 वर्ण हैं, इनका जो स्पष्ट उल्लेख मिलता है वो कहाँ पर मिलता है, ऐसा इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के अंतर्गत हमें जो चतुर्वर्ण व्यवस्था है उसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, ऋग्वेद का पुरुष सूक्त। और क्वेश्चन भी इसी तरह से पूछा गया है कि निम्न में से किस में समाज की चतुर्वर्ण व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, तो उसका प्रॉपर आंसर है ऋग्वेद के 10वें मंडल का पुरुष सूक्त। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है वैदिक शब्द ऋत का आशय है। ऋत यानी वैदिक काल में जो ऋत शब्द है उसका आशय क्या है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दे रखे हैं नैतिक नियम, ऋतुएं, पुरोहित और ऋण। तो जो ऋत शब्द है उसका मतलब हो जाएगा नैतिक नियम, और इनका जो संचालक है वो है वरुण, वरुण है, इसको बोला गया है ऋतस्य गोपा, यानी जो नैतिक नियम है उनका संचालक वरुण है और इसको ऋतस्य गोपा बोला गया है। ठीक है,
कहने का मतलब जो प्रकृति है उसके अंतर्गत जो उसके नियम बने हुए हैं उनका संचालन यहाँ पर वरुण के माध्यम से किया जा रहा है और उसी को यहाँ पर नैतिक नियमों का संरक्षक भी बोला गया है। ठीक है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा ए, नैतिक नियम। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म, यहां पर शब्द दे रखा है ब्रह्म का आविर्भाव एक परम सत्ता के रूप में हुआ। क्वेश्चन है, ब्रह्म यानी यहां पर एकेश्वरवाद या एक सत्ता के रूप में बात हो रही है और उसका आविर्भाव कहाँ पर हो रहा है? तो ऑप्शन दे रखे हैं ऋग्वेद काल में, ब्राह्मण काल में, आरण्यक काल में, उपनिषद काल में। तो ऋग्वेद काल में हमें ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता, ब्राह्मण ग्रंथों में हमें ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता, आरण्यकों में हमें नहीं मिलता है, लेकिन उपनिषद काल में होता यह है कि हमें ब्रह्म व आत्मा के बीच में जो दार्शनिक संवाद है, या फिर यहाँ आते आते क्या होता है कि जो ऋग्वेद है या पूर्व वैदिक काल है, पूर्व उत्तर वैदिक काल की जो विशेषताएं हैं उसके अंतर्गत क्या है कि जो आर्य हैं वो पूरी तरीके से सांसारिक जीवन का आनंद ले रहे हैं, लेकिन यहाँ आते आते उनका मोह भंग हो जाता है। ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं, आत्मा ब्रह्म जैसी चीज़ों के ऊपर चिंतन करने लग जाते हैं। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपनिषद काल में। ठीक है, यानी ब्रह्म को एक परम सत्ता के रूप में जो माना गया है वो है उपनिषद काल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोमत क्या है? और ऑप्शन हमें दे रखा है, एक बौद्ध तीर्थ स्थान, एक हिंदू देवता, एक जैन मूर्ति और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है, गोमत क्या है? तो ये गोमत शब्द है, ये ऋग्वेद कालीन शब्द है और ऋग्वेद में गोमत से तात्पर्य ये है कि जो समाज का समृद्ध व्यक्ति होता था, और यहाँ पर समृद्ध से मतलब ये है जिसके पास में पशुओं की संख्या ज़्यादा है, पशुओं की संख्या ज़्यादा है वो समृद्ध है, यानी जिसके पास में गाय, बकरी, घोड़ा, ये ऐसी चीज़ें ज़्यादा हैं वो समृद्ध था, और यहाँ समृद्ध को बोला गया है गोमत। ठीक है, और ये विशेषता कब की है, ऋग्वेद काल की। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं गोमत से संबंधित, एक बौद्ध तीर्थ स्थान तो ये गलत हो जाएगा, एक हिंदू देवता ये भी गलत हो जाएगा, एक जैन मूर्ति तो एक जैन मूर्ति है गोमतेश्वर, कर्नाटक में ये गोमतेश्वर है, लेकिन ये हमारा यहाँ पर उचित आंसर नहीं है। तो यहाँ जो अंतिम है इनमें से कोई नहीं, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो और ऑप्शन है वो मेल नहीं खा रहे हैं, क्योंकि गोमत का अर्थ यहाँ पर ऋग्वेद के में जो समृद्ध व्यक्ति है उससे किया जा रहा है। तो इस रूप में हमारा जो आंसर है वो है डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बोगजगोई अभिलेख में किन वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है? बोगजगोई, ये बोगजगोई का अभिलेख है, ये बेसिकली ईरान में मिला है और चौदह सौ ईसा पूर्व का ये अभिलेख है। इसमें हो क्या रहा है कि जो ऋग्वेदकालीन देवता हैं उसी तरह के देवताओं का उल्लेख या उन्हीं की तरह के देवताओं के नामों का उल्लेख यहाँ पर मिल रहा है। तो जो नाम है वो इस तरह से हैं,
जैसे अगर ऑप्शन देखें तो इंद्र, अग्नि, रुद्र और सोम, ये गलत हो जाएगा। इंद्र, नासत्य, मित्र और वरुण, ये राइट आंसर है। यानी बोगजगोई अभिलेख में जिन वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया है तो वो है इंद्र, नासत्य, मित्र और वरुण, ठीक है। और जो हम भौगोलिक विस्तार की जब बात करते हैं, आर्यों के भौगोलिक विस्तार की या भारत से, भारत में इनके आने के बारे में जब चर्चा होती है, तो ये जो बोगजगोई का अभिलेख है ये भी एक समर्थन के रूप में या फिर एक मजबूत साक्ष्य के रूप में हमारा समर्थन करता है कि आर्य मध्य एशिया से होते हुए भारत में आए थे, ठीक है। तो हमारा ये आंसर है बी, और बी के अंदर दे रखा है इंद्र, नासत्य, मित्र और वरुण, और इन्हीं देवताओं का बोगजगोई का जो 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है उसमें उल्लेख मिलता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है किस संहिता में या किस संहिता को ब्रह्म वेद कहा गया है, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो यहां पर जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद को ब्रह्म वेद कहा गया है, ठीक है। कारण क्या है कि एक तो इसके जो रचयिता हैं वो ब्रह्मा हैं, या इसके जो पुरोहित हैं वो ब्रह्मा हैं, और एक ये ज़्यादा लोकप्रिय था, इसके जो पुरोहित हैं वो ब्रह्मा हैं और लोकप्रिय है, इसमें जो सांसारिक जीवन है उससे संबंधित कई चीज़ों की जानकारी मिलती है, इस कारण से इसको ब्रह्म वेद कहा गया है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अथर्ववेद, ठीक है। और क्वेश्चन था किस संहिता को या किस वेद को ब्रह्म वेद कहा गया है, तो हमारा आंसर है यहां पर अथर्ववेद। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा वेद त्री में शामिल हैं, वेद त्री में शामिल हैं, तो इसके अंतर्गत उन तीन वेदों के बारे में देखना है जो यहाँ या फिर जिनकी विषय वस्तु एक जैसी है या उनको वेद त्री कहा गया है। तो जो तीन वेद हैं वो हैं, जैसे अगर नंबर वन को देखा जाए ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो यहाँ ये गलत हो जाएगा क्योंकि अथर्ववेद की जो विषय वस्तु है वो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद की विषय वस्तु से मेल नहीं खा रही है, इस कारण से ये गलत हो जाएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये राइट आंसर है हमारा, क्योंकि यहाँ पर इन तीनों की विषय वस्तु एक जैसी है और इसी कारण से इनको क्या बोला गया है, वेद त्री, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर है बी, वेद त्री में शामिल हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 22, दशराग युद्ध, क्वेश्चन है दशराग युद्ध का विजेता सुदास किस जन से संबंधित था, यानी राजा सुदास जिसने दशराग युद्ध लड़ा वो किस जन से संबंधित था। तो यहां पर अलग अलग जन थे लगभग 10 के लगभग, जिनमें एक जन सुदास का है और वो है भरत, अभी हमने पहले भी चर्चा की थी। तो राजा सुदास है वो भरत वंश का है, इस रूप में हमारा यहां पर सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है 23 और इसमें कहा गया है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता अन्न पीसती है, और ये अवतरण कहाँ पर मिला गया है, यानी ऐसा उल्लेख कहाँ पर मिलता है। तो इस क्वेश्चन की विशेषता ये है कि परिवार एक है लेकिन उनके कार्य अलग अलग हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि खुद कवि है, पिता वैद्य हैं, माता अन्न पीसती है,
एक ही परिवार में अलग अलग तरह के काम करने वाले लोग रह रहे हैं। तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि जो क्रम प्रधान वर्ण व्यवस्था, अगर क्रम प्रधान वर्ण व्यवस्था का कहीं उल्लेख मिलता है तो उसके बारे में हमें बताना है, और ये विशेषता हमें कहाँ मिलेगी? ऋग्वेद में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, ऐसी व्यवस्था ऋग्वेद में ही थी। बाद में होता ये है कि धीरे धीरे फिर जाति आधारित व्यवस्था या क्रम से क्या हो जाता है, जाति की तरफ चीज़ें बदल जाती हैं या उधर उनका जो मूवमेंट है वो उधर हो जाता है। क्रम प्रधान ऋग्वेदिक कालीन व्यवस्था है, उसके बाद में जातियाँ बनने लग जाती हैं, और जो जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है, इनके कामों का भी स्पष्ट उल्लेख मिलने लग जाता है, और फिर धीरे धीरे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लिष्ट होने लग जाती हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, ऋग्वेदिक देवता क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेदिक देवता इंद्र के विषय में निम्न में से कौन सी बातें सही हैं? यानी ऋग्वेद का जो मुख्य देवता था वो था इंद्र, और उसके बारे में जो विशेष बातें हैं या मुख्य चीज़ें क्या हैं वो हमें बतानी है। यहाँ हमें ऑप्शन दे रखा है, उसे भोज और सोमरसपान प्रिय था, तो ये ठीक है। वह पुरों को, पुरों से मतलब ये है कि जो महल वगैरह हैं या भवन हैं उनको नष्ट करने का, तो ये भी ठीक है। वह सर्वाधिक सूक्त उसे संबोधित है, तो ये भी सही है, क्योंकि उसे 250 सूक्त संबोधित हैं। इसके बाद दूसरा नंबर आता है 200 सूक्त जो अग्नि को समर्पित हैं। तीसरा जो देवता है वो वरुण है, तो इस तरीके से जो इंद्र है उसको सबसे ज़्यादा सूक्त संबोधित हैं। वह ऋत का धारक था, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि जो ऋत है या नैतिक नियम है उसका जो संचालक है या ऋतस्य गोपा जिसको कहा गया है वो है वरुण। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर सही आंसर है वो है डी, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछ रहा है तो इस रूप में हमारा हो जाएगा डी, क्योंकि ये जो कार्य है ऋत वाला कार्य वो है वरुण का। बाकी तीन ऑप्शन है, उसे भोज एवं सोमरसपान प्रिय था, ठीक है। वे पुरों को नष्ट करने वाला था, ये भी ठीक है। सर्वाधिक सूक्त उसे संबोधित हैं, तो ये भी ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं नंबर 25, और नंबर 25 क्वेश्चन है, उसमें दे रखा है शुक्ल व कृष्ण पक्ष के रूप में ज्ञात दो संस्करण मिलते हैं। ठीक है, यानी जिस वेद के दो पक्ष मिलते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष, तो वो कौन सा है, ऐसा इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया था, शुक्ल और कृष्ण। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, यजुर्वेद। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, निम्न ब्राह्मण मूल ग्रंथों में से, निम्न ब्राह्मण मूल ग्रंथों में से एक ऋग्वेद से संबंधित है। यानी यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ पूछे जा रहे हैं और वो भी ऋग्वेद से संबंधित। तो हमने देखा था पहले क्लास के अंदर कि जो ऋग्वेद है उसके ब्राह्मण ग्रंथ थे ऐत्रेय एवं कौशीतकी। ऐत्रेय एवं कौशीतकी, ठीक है, या फिर इसको
एक के भी बोल सकते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा नंबर एक, ठीक है। या फिर जैसे और ऑप्शन है तो गोपथ है, ये अथर्ववेद का है, शतपथ है तो ये यजुर्वेद का है, तैतरीय है तो ये सामवेद का है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऐतरीय है वो है ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। आगे देखते हैं, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में सूक्त है। क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के अंदर जो सूक्त लिखे गए हैं वो सबसे ज्यादा किस देवता को संबोधित हैं, ऐसा यहां पर पूछा जा रहा है। तो वरुण को ये गलत हो जाएगा, अग्नि को ये गलत हो जाएगा, विष्णु को ये भी गलत हो जाएगा, इंद्र ये सही है क्योंकि इंद्र के विषय में 250 सूक्त हमें देखने को मिलते हैं जो सबसे ज्यादा हैं, और इंद्र ऋग्वेद काल का सबसे प्रमुख देवता भी था। तो इस रूप में हमारा डी है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न पाठों पर विचार कीजिए और हमारे पाठ क्या हैं या फिर यहाँ पर ग्रंथ दिए गए हैं उनके बारे में विचार करना है। शतपथ ब्राह्मण, बृहदारण्यक के उपनिषद, आचारांग सूत्र, विनय पिटक, उपरोक्त में से कौन से वैदिक कालीन से संबंधित नहीं है, वैदिक साहित्य से संबंधित नहीं है, ठीक है। यानी चार ग्रंथ हमें दे दिए और चार में से जो वैदिक काल से संबंधित नहीं है उनको हमें अलग करना है। तो देखते हैं, शतपथ ब्राह्मण ये वैदिक साहित्य है, बृहदारण्यक के उपनिषद ये भी वैदिक साहित्य है, आचारांग सूत्र तो ये जो आचारांग सूत्र है ये जैन ग्रंथ है, जैनों से संबंधित है, और इसमें क्या है भिक्षुओं के आचार नियम दिए गए हैं, ठीक है। आचारांग सूत्र है वो जैन ग्रंथ है और जो भिक्षु रहते थे जंगल के अंदर उनके नियम वगैरह इसमें दिए गए हैं, ठीक है। विनय पिटक ये बौद्ध ग्रंथ है और विनय पिटक में क्या है, इसमें भी जो नियम और आचरण संबंधित, यानी जो भिक्षु हैं बौद्धों के उनके नियम वगैरह इसमें भी दे रखे हैं विनय पिटक के अंतर्गत। तो हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा 3 और 4, क्योंकि ये वैदिक साहित्य से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर नंबर 4 है, 3 और 4 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा 29 और इसमें दे रखा है, प्राचीन काल में विवाह के निम्न में से किस स्वरूप में वर द्वारा वधू के संरक्षक को गाय तथा बैल प्रदान किया जाता था। वर यानी जो लड़का है, लड़का पक्ष वाला लड़की पक्ष वाले को गाय और बैल दे रहा है यहां पर, तो ऐसा कहां पर देखने को मिलता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा आर्स, ये जो आर्स विवाह है इसमें क्या है कि लड़के पक्ष वाले या लड़का पक्ष वाले लड़का पक्ष की तरफ से गाय व बैल दिया जाता था और वो किसको, वधु पक्ष को, ठीक है। ऐसी व्यवस्था देखने को मिलती है। यानी होता यह है कि उत्तर वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह देखने को मिलते हैं, जैसे ब्रह्म विवाह है, देव विवाह है, असुर विवाह है, प्रजापति विवाह है, पैसाच विवाह है, या फिर प्रजापति विवाह है, असुर विवाह है।
तो ये आठ प्रकार के विवाह थे, इनकी अलग अलग विशेषता है। सबसे जो उत्तम कोटि का विवाह होता था वो ब्रह्म था, उस ब्रह्म के अंतर्गत मतलब एक तरीके से मतलब उसको सबसे उत्कृष्ट कोटि का माना जाता है। और फिर धीरे धीरे क्या है, इनकी कोटियाँ कमज़ोर होने लगती, मतलब निम्न कोटि उच्च कोटि से निम्न कोटि की तरफ ये बढ़ते हैं, जिनके अंतर्गत एक आर्ष विवाह भी है जिसमें वर द्वारा वधुपक्ष के संरक्षक को गाय तथा बैल प्रदान किया जाता था या करना पड़ता था। तो हमारा आंसर है डी, आर्ष। आगे देखते हैं नंबर 30, निम्न में से किस वेद में गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है? तो गायत्री मंत्र का जो वर्णन है वो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, तीसरा मंडल, और ये रचना की थी इसने, इसकी रचना की थी विश्वामित्र ने, ठीक है। तो वेद है ऋग्वेद, उसका तीसरा मंडल है, विश्वामित्र गायत्री मंत्र की रचना कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। अगला जो क्वेश्चन है वो है 31, और इसमें दे रखा है निम्न में से किस मूल पाठ, निम्न में से किस मूल पाठ में भारतीय गणितीय लेखन के संबंधित प्राचीन साक्ष्य निहित हैं, यानी गणित की जानकारी यहाँ पर पूछ रहा है जो प्राचीन साक्ष्य के रूप में है। तो यहाँ पर ग्रंथ है सुलु सूत्र, और ये जो कल्प सूत्र हैं, सॉरी कल्प जो वेदांग है उसका भाग है स्रोत सूत्र, और स्रोत सूत्र का ही भाग है सुलु सूत्र, उसमें हमें रेखागणित और यज्ञ वेदिकाओं के निर्माण की जानकारी मिलती है, ठीक है। अब अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस एक में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग कुल के रूप में किया गया है? तो यहां देखते हैं निम्न में से एक में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग कुल, या कुल से मतलब है क्लैन के अर्थ में किया गया है। तो ऋग्वेद में ऐसी जानकारी नहीं मिलती है, अथर्ववेद या अथर्ववेद में ऐसी जानकारी मिलती है। होता यह है कि अथर्ववेद में आते आते जो गोत्र व्यवस्था है वो इतनी मजबूत हो जाती है कि अलग अलग यानी कुलों के अंदर या जो वैवाहिक संबंध है वो अपने कुल के अंतर्गत ही होने लग जाते हैं। तो यहाँ अथर्ववेद हमारा हो जाएगा सही आंसर। आगे अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा कठोपनिषद, कठोपनिषद निम्न में से किस एक से संबंधित है, यानी जो उपनिषद है कठ उपनिषद वो किस वेद से संबंधित है, ऐसा यहाँ पर पूछा गया है। तो जैसे ऋग्वेद है तो इसके उपनिषद की बात करें तो इसके उपनिषद हैं ऐत्रेय और कौशित की, सामवेद, सामवेद के उपनिषदों की बात करें तो सामवेद के हैं छांदोग्य और जैमिनीय, यजुर्वेद, तो यजुर्वेद के उपनिषदों की बात करें तो यहाँ पर कठो उपनिषद, ईश, बृहद, बृहदारण्यक, मां नारायण, मैत्रायण, ये इस तरह से उपनिषद हैं यजुर्वेद के। तो इसी के अंतर्गत हमारा कठोपनिषद भी सही हो जाएगा। बात करें अगर अथर्ववेद की तो इसके उपनिषद हैं प्रसन्न, मुंडक और मांडुक्य, ठीक है। तो कठोपनिषद के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, और कठोपनिषद है यजुर्वेद का उपनिषद। आगे देखते हैं निम्न में से किस एक ग्रंथ में कहा गया कि राजा सबका शासक है, राजा सबका शासक है ब्राह्मणों को छोड़कर? तो ऐसा उल्लेख हमें मिलता है मनु स्मृति में, यानी मनु की जो स्मृति लिखी गई थी उसमें ऐसा उल्लेख मिलता है कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है
और राजा सिर्फ उसे सलाह ले सकता है, उसके ऊपर अधिकार नहीं जता सकता। ठीक है, और भी कई चीज़ें मनुस्मृति में देखने को मिलती हैं, जैसे मान लीजिए स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं देता है। ठीक है, मुंडन यानी जो विधवा है उसको मुंडन करवा के रहना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर मिलता है। शूद्र, ये शूद्र हैं, इनके बारे में स्पष्ट यहाँ पर जानकारी मिलती है कि शूद्रों को जो एक अछूत की तरह देखा जाएगा, या फिर इनको समाज का एक अलग हिस्सा के तौर पर देखने की यहाँ पर जानकारी मिलती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्न में से किस, निम्न में से इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है कि ऋग्वेदिक आर्य और हड़प्पन सभ्यता के लोग एक ही थे, यानी ऋग्वेदिक आर्य और हड़प्पा सभ्यता के लोग एक ही थे, ऐसा सिद्धांत किसने दिया है या ऐसा मत किसका है? तो ये है रोमिला थापर, नहीं आर एस शर्मा, यानी जो रामशरण शर्मा, इतिहासकार रामशरण शर्मा है, उनका स्पष्ट मत है या उनकी विचारधारा है कि जो आर्य और हड़प्पा सभ्यता के निर्माता थे वो एक ही थे। तो इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा बी, आर एस शर्मा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के मुख्य मुख्य क्वेश्चन जिनके ऊपर हमने चर्चा की। अगले टॉपिक पर हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।